नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करूँगा, जो कि सीनियर सिटीजन एक्ट पर आधारित है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 23 एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सेक्शन है। इस सेक्शन के तहत एक सीनियर सिटीजन या माता पिता अपने बच्चों को दी हुई प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। ऐसे में बच्चों का मानना है कि सीनियर सिटीजन के द्वारा इस सेक्शन को मिसयूज़ किया जाता है। जब भी बच्चों के द्वारा सीनियर सिटीजन की बात नहीं मानी जाती, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन या माता पिता सेक्शन 23 का हवाला देकर के बच्चों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं या बच्चों के सर पर सेक्शन 23 की तलवार लटका देते हैं। दोस्तों, बहुत बारी तो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उकसाए जाने पर भी सीनियर सिटीजन सेक्शन 23 के तहत कार्रवाई करके अपने बच्चों से प्रॉपर्टी वापस ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सीनियर सिटीजन के लिए सेक्शन 23 के तहत अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लेटेस्ट जजमेंट में एक सीनियर सिटीजन के सेक्शन 23 के दावे को डिसमिस किया और जो प्रॉपर्टी सीनियर सिटीजन ने बच्चों को दे दी थी, उसे वापस सीनियर सिटीजन को देने से साफ मना कर दिया। तो आइए जानते हैं क्या था पूरा मैटर और सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 23 के रिगार्डिंग क्या नई डायरेक्शन, क्या नई गाइडलाइंस इशू करी, जो कि सभी सीनियर सिटीजन्स, माता पिता और बच्चों को पता होने चाहिए। दोस्तों, वीडियो को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना और अंत तक देखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फोर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट बनाने का उद्देश्य ये था कि जो बच्चे अपने माता पिता की देखरेख नहीं करते हैं, उन्हें मेंटेन नहीं करते हैं या उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन इस एक्ट के तहत अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने बच्चों से अपनी देखरेख और रख रखाव करवा सकते हैं। इन्हीं सब कारणों से सीनियर सिटीजन एक्ट में सेक्शन 23 भी डाला गया, जिसके तहत यदि सीनियर सिटीजन या माता पिता अपने बच्चों को अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं, चाहे वो गिफ्ट हो, सेल हो या किसी और रूप से हो, और बाद में बच्चों के द्वारा माता पिता को मेंटेन नहीं किया जाता, उनका रख रखाव नहीं किया जाता, ऐसी स्थिति में सीनियर सिटीजन या माता पिता अपनी दी हुई प्रॉपर्टी सेक्शन 23 के तहत एप्लीकेशन डाल करके वापस ले सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन 23 को इंटरप्रेट करना कोई आसान काम नहीं था, आप भी इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जहां पर सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते वक्त ट्रांसफ़र डीड में ये मेंशन कर रहे थे कि प्रॉपर्टी इसी ग्राउंड पर ट्रांसफ़र की जा रही है कि बच्चे बाद में उनका ध्यान रखेंगे, ऐसे केसेस में कोर्ट को किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं आई, क्योंकि उसमें साफ पता लगता था कि ट्रांसफ़र कंडीशनल है। और ऐसे में यदि बाद में बच्चों के द्वारा सीनियर सिटीजन की देखरेख नहीं की जा रही थी, तो सीनियर सिटीजन सेक्शन 23 के तहत अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते थे। दोस्तों, सबसे बड़ा इशू वहां पर था जहां पर सीनियर सिटीजन के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में बिना किसी कंडीशन के, यानी कि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ट्रांसफ़र की जा रही थी। क्या ऐसे केसेस भी सेक्शन 23 के अंडर आ सकते थे? क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट बनाने के बाद बहुत सारे केसेस ऐसे आए जहां पर सीनियर सिटीजन ने अपने बच्चों को दी हुई प्रॉपर्टी सेक्शन 23 के तहत वापस मांगना शुरू कर दिया, जबकि ट्रांसफ़र करते वक्त किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं लगाई गई थी, यानी कि ट्रांसफ़र आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन की गई थी। ऐसे में अलग अलग हाई कोर्ट्स के अलग अलग फैसले आए। कुछ हाई कोर्ट्स का मानना था कि सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी को सेक्शन 23 के तहत अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं,
चाहे ट्रांसफ़र करते वक्त कोई कंडीशन लगाई हो या नहीं लगाई हो, या ट्रांसफ़र आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ही क्यों ना हो। जबकि दूसरी तरफ कुछ हाई कोर्ट्स का ये कहना था कि यदि सीनियर सिटीजन सेक्शन 23 के तहत अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहते हैं तो ऐसे में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते वक्त उन्हें ये मेंशन करना होगा कि वो प्रॉपर्टी केवल इसी ग्राउंड के ऊपर दे रहे हैं बच्चों को, कि बच्चे उन्हें बाद में मेंटेन करेंगे। इस तरह अलग अलग हाई कोर्ट्स के अलग अलग डिसीजन थे और बहुत ही कंफ्यूजन था। लेकिन दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सीनियर सिटीजन सेक्शन 23 के तहत अपने बच्चों से प्रॉपर्टी वापस कब ले सकते हैं। दोस्तों इस केस में एक माँ के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी अपनी दो बेटियों के नाम रिलीज डीड के थ्रू ट्रांसफ़र की गई। कुछ समय के बाद माँ ने सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 के तहत अपनी बेटियों से अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए एप्लीकेशन डाल दी। माँ का कहना था कि उसकी बेटियाँ अब उसका रखरखाव नहीं कर रही हैं, बेटियाँ उसे मेंटेन नहीं कर रही हैं, जिस कारण वो अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहती है, यानी कि उसने जो रिलीज डीड के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी बेटियों को, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए और उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस दी जाए। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा माँ के पक्ष में फैसला सुनाया गया और सेक्शन 23 की एप्लीकेशन को अलाउ करके बेटियों के फेवर में दी गई रिलीज डीड को कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद बेटियों के द्वारा हाई कोर्ट में अपील फाइल की गई, लेकिन हाई कोर्ट में भी बेटियों को किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिला। हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को सही ठहराया और सेक्शन 23 के तहत रिलीज डीड को रद्द करने का फैसला सही माना। इसके बाद बेटियों के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते वक्त माँ के द्वारा किसी भी तरह की कोई कंडीशन बेटियों पर नहीं लगाई गई थी, यानी कि माँ ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों को बिना किसी कंडीशन के आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ट्रांसफ़र की थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सेक्शन 23 के तहत सीनियर सिटीजन अपनी दी हुई प्रॉपर्टी वापस तभी ले सकते हैं जब दो कंडीशन पूरी होती हैं। पहली कंडीशन ये कि सीनियर सिटीजन के द्वारा जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई वो ट्रांसफ़र कंडीशनल ट्रांसफ़र होनी चाहिए, यानी कि कंडीशन ये कि बाद में बच्चे उनकी देखरेख करेंगे, उन्हें मेंटेन करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये कि बाद में बच्चे सीनियर सिटीजन को एज पर कंडीशन मेंटेन करने में असफल रहते हैं। जब ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी तभी सीनियर सिटीजन सेक्शन 23 के तहत अपनी दी हुई प्रॉपर्टी बच्चों से वापस ले सकते हैं। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों की अपील को अलाउ किया और माँ के सेक्शन 23 के दावे को खारिज किया, खत्म किया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यदि सीनियर सिटीजन सेक्शन 23 के तहत अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहते हैं तो ऐसे में ट्रांसफ़र करते वक्त कंडीशन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते समय कोई भी कंडीशन नहीं लगाई गई तो ऐसे में सेक्शन 23 के अंडर सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकते हैं। दोस्तों इस जजमेंट से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 23 की कंट्रोवर्सी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है और क्लियर कर दिया है कि एक सीनियर सिटीजन सेक्शन 23 के तहत कब अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है और कब उनको प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलेगी। दोस्तों इस जजमेंट के इस केस के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि सेक्शन 23 का सीनियर सिटीजन्स के द्वारा मिसयूज़ किया जाता है और इस जजमेंट से कुछ हद तक ये मिसयूज़ रुकेगा? आपके जो भी विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा कर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।